माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये न्यू वाली बेडशीट जो कि बहुत ब्यूटीफुल सी, बहुत कलरफुल सी है। कितने सारे इसमें कलर हैं और इसमें बादल बने हुए हैं, मून बना हुआ है, स्टार्स बने हुए हैं और साथ ही साथ इतने सारे यूनिकॉर्न जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो जब से ये बेडशीट आई थी दिया बोलती थी कब बिछाओगे कब बिछाओगे, तो फाइनली आज मैंने इसको बिछा ही दिया है। इतनी लाइट कलर की पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी मेरे घर में, बिकॉज ये कुछ ना कुछ खाती रहती है, बैठती रहती है, गिराती रहती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी मेरे पे डार्क डार्क कलर की हो गई थी। तो मेरा मन था कुछ अलग से, कुछ अच्छी सी मंगाने का बेडशीट, कुछ लाइट कलर की, ताकि रोशनी रोशनी सी लगे। तो दिया तुम खुश हो? बहुत ज्यादा खुश है ये। और आज जन्माष्टमी है तो आप सब लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ खास कुछ स्पेशल करने नहीं, तो कुछ दिखा भी नहीं रही, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सो रही हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद ना मैं मम्मी के घर पर आ गई थी, मुझे थ्रेडिंग करवानी थी। तो मैं थ्रेडिंग करवाने के लिए जब भी जाती हूँ तो दिया को छोड़ के जाती हूँ। वैसे भी मम्मी के घर के बिल्कुल सामने ही होती है, तो मैं जब थ्रेडिंग करवा के आई उस टाइम पर बाहर से ही लॉक लगा के गई थी। तो यहाँ पर दिया को ये पता ही नहीं था कि मैं आ चुकी हूँ। आराम से काजू कतली एंजॉय कर रही थी और उसने तकिया से देखो छोटा सा एक घर भी बना रखा है, एक एरिया अपने टैडी के लिए जहाँ पर उसका टैडी रेस्ट कर रहा है। कूलर भी चल रहा है साथ के साथ, छोटू वाला फ़ैन भी चल रहा है। उसकी बैटरी ऐसे ही वेस्ट कर रही है लड़की ना, तो इसको पता ही नहीं मैं पीछे आके खड़ी हो गई। पहले मैं आई, मैंने देखा ये चुपचाप बैठी है, इसका ध्यान नहीं है, तो मैं कैमरा फिर ऑन करके लेकर आ गई। और फिर मैंने बिल्कुल जब पास में किया फ़ोन, तब इसने मुझे देखा और एकदम से फिर चौंक गई। मम्मी के घर पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके मैं आ गई थी घर पे। गोभी को यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज गोभी के पराठे बना लेती हूँ। सब्जी मैं बनाती हूँ ना तो दिया मन से नहीं खाती ये सूखी सब्जियाँ ना, वैसे दाल बनाती हूँ तो खा लेती है आराम से। आलू बनाती हूँ वो खा लेती है, जैसे बॉईल करके हल्दी वाले बना लिए वो खा लेती है। और आलू तो वैसे भी अच्छा खासा गल जाता है ना, तो उसकी सब्जी से अच्छी लगती है, बट ये गोभी हो गई या कोई और भी सब्जियां वगैरह ना मन से नहीं खाती है ये। तो मैंने कहा चलो पराठे बना लेती हूँ, पराठे तो खा ही लेगी। तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में गोभी को कर लिया था, फिर अच्छे से वॉश करने के बाद चॉपर में बहुत ही बारीक बारीक पराठों के हिसाब से इसको मैं चॉप कर लूँगी। और ये ना बहुत अच्छा है, कद्दूकस करने के बजाय आप इस तरीके से चॉप कर लो, अच्छे खासे पराठे बन जाते हैं। पनीर वगैरह भी इसी में मैश बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है, और प्याज के लिए तो सच्ची में बहुत ही बेस्ट है। वैसे मैं इसमें बहुत ही कम करती हूँ, अभी देखो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा थी गोभी की, तब मैंने इसमें कद्दूकस कर लिया। अदरवाइज़ प्याज अगर मैं अपनी सब्जी वगैरह बनाने के लिए कट करती हूँ तो एक ही होता है, और मुझे ऐसा लगता है एक के लिए मैं क्या इस चॉपर को यूज़ करूँ, फालतू में गंदा हो जाएगा, फिर वेस्ट हो जाएगा, धोना पड़ेगा एक बर्तन एक्स्ट्रा से, ब्लेड्स वगैरह, फिर बहुत आराम आराम से संभाल संभाल के रखनी पड़ती हैं इसकी सारी चीज़ें। तो मैं सब्जी जब बनाती हूँ तब तो फटाफट से एक प्याज मैं नहीं कट करती इसमें, हाथ से ही कट कर लेती हूँ। तो फिर थोड़ी सी मैंने गोभी और डाली थी और इसको इसी तरीके से आराम से कद्दूकस कर लिया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, बिजली का कोई भी मतलब वेट नहीं करना पड़ता कि बिजली चाहिए इसके लिए, कुछ चाहिए, आराम से हो जाता है। ये मेरा सेकेंड चॉपर है, इससे पहले एक और था जो कि एकदम ऊँचाई से गिरा तो उसका ढक्कन चटक गया था, वरना कोई ख़राबी नहीं आई थी किसी भी तरीके की। वो बड़ी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था जब दीपक थे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है मैंने इसमें अच्छा खासा नमक, मिर्ची, खटाई, अमचूर पाउडर जिसको बोलते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके मैंने एक मिश्रण बना लिया है। और आटा भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गूंदा था ये सब रेडी करने के बाद, तो आटा भी हमारा रेडी है और हमारा बैटर भी रेडी है, तवा भी गर्म हो चुका है। तो पराठे बनाना जो है स्टार्ट कर देते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 8। आजकल हम जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि मुझे फिर अपने वीडियोज़ वगैरह का भी कुछ ना कुछ काम करना होता है, तो मैं कर लेती हूँ टाइम से। तो मैंने ये थोड़ा सा बड़ा सा बेल दिया था जिसकी वजह से मेरे को बेलने में बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। वैसे भी पहला पराठा कुछ ऐसे ही बनता है, ऐसे ही वैसे ही बनता है, चाहे पहला पराठा हो, पहला चीला हो, पहला डोसा हो, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती आती है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ होता होगा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं बना ही नहीं पाती थी इस तरीके से ना, सिंगल पराठा भरने के बाद मैं हमेशा दो लोई के पराठे वगैरह बनाती थी, बट अभी मैं ऐसे ही बना के ट्राई करती हूँ और जैसा भी है बन जाता है, अच्छे से खा लिया जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ना जहाँ पर ज़्यादा था बैटर वहाँ से थोड़ा सा साइड से टूटना स्टार्ट हो गया था, बट कोई बात नहीं, इसको हमने डाल दिया तवे पे। इसको पूरा नहीं टूटने दिया, ना ही मैंने इसको दोबारा से मतलब
वापस से इसको तोड़ा मरोड़ा, क्योंकि इसमें फिलिंग चली गई थी ना अच्छी खासी, इस वजह से फिलिंग भी वेस्ट हो जाती अगर मैं इसको आटे को अलग कर देती तो। तो यहाँ पर ऑयल वगैरह लगाते हुए पराठे को अच्छे से सेक लेंगे और सबसे पहले दिया को देंगे मक्खन लगाने के साथ ही। तो सब्जी बनाने का आज कोई झंझट नहीं रहा, अकेले ना यही दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता क्या बनाओ क्या खाओ। दिया के लिए कभी कई बार मैं कुछ चीज़ बना देती हूँ जल्दी से जो बन जाती है, जो रखी होती है, फिर मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन चुके थे, 4 पराठे बनाए थे मैंने, एक पराठा एक्स्ट्रा बनाया था। सब कहते हैं 3 नहीं बनाने चाहिए, तो हमेशा 4 ही बनाती हूँ मैं, 2 मैं खाती हूँ 1 दिया खाती है। तो यहाँ पर मैं अपना पराठा इंजॉय कर रही हूँ, साथ ही साथ फ़ोन में भी कुछ ना कुछ देखती जा रही हूँ। और मेरे को इन्विटेशन मिला है मेरे देवर के घर से, कल उनकी बेटी का बर्थडे है, होप सो मैं जाऊँ। तैयारी मेरी सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं हुई है, जब से बड़े पापा गए हैं बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है। और मैं खुद भी बीमार चल रही हूँ इतने दिन से, मैं भी इन दीदी भी बीमार ही चल रहे हैं। तो देखते हैं कैसे जाती हूँ। आईब्रो तो करवा ली मैंने, कलर नहीं हुआ मेरे बालों में और सारे बाल मेरे चिट्टे हुए पड़े हैं, बांग जैसे निकालने में बड़ी दिक्कत सी होती है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पर जो है मैं अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ, और वीडियो कल भी मेरी नहीं गई बिल्कुल, मैं बता तो रही हूँ ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का काम वगैरह। सो फ्रेंड्स अभी जो है मेरा डिनर हो चुका है, दिया को मैंने नीचे बिठाया है अभी, अभी थोड़ी देर पहले वो बेड पर ही बैठी हुई थी, और बेड पर देखो उसने कितने सारे यहाँ पर निशान बनाए हैं, मक्खन के हाथ लगा रखे हैं पूरी बेडशीट पे। जिस दिन बेडशीट बिछाओ और उस दिन कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता सच में। इसके पापा भी करते थे बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ गिरा देते थे, उसी दिन सब्जी गिराते थे, और ये भी आज ही चादर बिछाई है। और मैंने बहुत ही मतलब डरते डरते ये चादर खरीदी थी इसी वजह से कि इस पर इस तरीके के निशान नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये पहले भी बहुत सारी चादर ऐसी है जो कर चुकी है ख़राब और फिर बाद में वो निशान छूटते नहीं हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। ये कल ही धुले ये चादर देख लियो, क्यों किया, टी शर्ट में भी नहीं पोंछते, कपड़ा लेकर बैठा करो, हैंकी लेकर बैठा करो। पहली बात तो खाने में दिमाग लगाया करो, जल्दी जल्दी खाया करो। अभी पोंछा था ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था ना। ऐसे ना मेरे को बहुत गुस्सा आती है, मैंने वैसे भी ये ना बेडशीट इसी वजह से थोड़ा डरते डरते ली थी कि लाइट कलर की लूँ या ना लूँ, फिर मैंने कहा ले लेती हूँ। और मैंने सुबह ही समझाया था कि ये जो मार्कर वार्कर ये जो वाइट बोर्ड का जो है ना, ये ना तो मुझे दीवार पर चला हुआ दिखना चाहिए ना बेडशीट पर चला हुआ दिखना चाहिए। स्कूल ड्रेस पे इसने कॉलर पे लिखा है, वो छूटने में नहीं आ रहा, बहुत ही गंदे काम करने लगी है दिया। जितनी ये समझदार लड़की थी ना उतनी ही ज़्यादा ये शैतान शैतान होती जा रही है, एक ही एक है और इतनी शैतानी करती है ये। सो अभी रात के 9 बजने वाले हैं, मैं अभी गेट पे ताला वाला लगाऊंगी, लाइट तो मैंने बंद कर दी है बाहर की, क्योंकि आजकल जैसे मौसम थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा होता है और जगह जगह कीचड़ वीचड़ सा भी हो रहा है, बारिश वारिश कहीं ना कहीं तो पड़ी रही है, तो कीड़े मकोड़े जो है ना बाहर लाइटों पे बहुत सारे हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से अंदर भी आते हैं। तो मैंने लाइटें वगैरह सारी बाहर की बंद कर रखी है, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था मुझे इन्विटेशन मिला है, बहुत दिन पहले ही मिल गया था, और सोच रही थी जाऊँगी बाजार जाऊँगी, कुछ लेकर आऊँगी। तो लेकर तो फिलहाल मैं कुछ नहीं लेकर आ पाई हूँ, बाकी देखते हैं क्या देते हैं। और जाने का भी मेरा कुछ सेट ही नहीं हो पाता, कपड़े क्या करने हैं क्या नहीं करने, तो अभी रात को देखूंगी। और एक दो मुझे वीडियोस बनानी है वो भी करूंगी, और वीडियोस बनाने में आजकल मेरा मन नहीं लग रहा है, ये आप भी देख ही रहोगे, इतना ज़्यादा स्किप कर जाती हूँ बीच में वीडियोस वगैरह, और कई लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रही है तो कई सारे व्यूज़ जो है पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो व्यूज़ भी कम आते हैं, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, एक ये भी रीज़न है। बाकी मेरा जब से बड़े पापा गए ना सच में बिल्कुल भी ना किसी भी काम में मन नहीं लगता, होता है ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या यार क्या हो गया, फैमिली छोटी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस दिन दीदी दीदी भी आई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखी थी, बहुत परेशान सी लग रही थी, शायद बिना पापा के बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसे ही रुल जाते हैं। सच्ची में मैं हमेशा मतलब थोड़ा सा ठीक होती हूँ फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मैं बहुत डीप सोचती हूँ बहुत ही ज़्यादा। दीपक के बारे में मैं सोचती रहती हूँ, अभी तक सोचती रहती हूँ, पापा के बारे में सोचती रहती हूँ, और बड़े पापा का दिमाग में घूमता रहता है।
बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, और बस यही सोचती हूँ कि और कुछ ना हो और कुछ ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी हर चीज़ से बाहर निकल जाओ तो क्या कर सकते हैं, है ना। और जन्माष्टमी आज है, पता नहीं कल है, पता नहीं कब है। मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं करूँगी, पूजा ही करूँगी, व्रत वगैरह कुछ भी नहीं रखना, और मम्मी के घर में तो होनी ही नहीं है कोई भी, मतलब इस तरीके का कोई भी फेस्टिवल वगैरह, तो वो तो होना ही नहीं है। बाकी देखते हैं कल का, कल जाते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दिया बहुत शैतान होती जा रही है, दिया की पिटाई करनी पड़ेगी, नानी के घर भी जाके बहुत ज़्यादा शैतानी करती है और नानी से लड़ाई बहुत करती है। नानी से जाके लड़ाई कर रही थी ना आज, मेरी जीत को हाथ क्यों लगाया, मेरा ये क्यों किया, मेरा वो क्यों किया। जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी ज़्यादा शैतानी करती जा रही है और लड़ंका होती जा रही है। मुझसे भी लड़ेगी? नहीं। हाँ क्यों बोला पहले? हाँ। मुझसे लड़ेगी? मुझसे हाँ। लड़के क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा इससे मुझसे लड़के, देख लो जरा बातें सुन लो इसकी अम्मा जी की। पैसे तो नहीं दूंगी मैं, कोई नहीं, मैं गुल्लक में से लूंगा। गुल्लक में से कितने पैसे मिलेंगे जिससे गुजारा हो जाएगा जिंदगी भर? मैं अमीर जाऊंगी। अमीर रहेगी लड़की गुल्लक में से पैसे लेके? तीन सौ पाँच सौ और 1800 रुपए लेगी गुल्लक में से। मक्खन ना देने, बालों में भी लग रहा है और मन कर रहा है एक चाटा लगा दो सच्ची में इस लड़की को। क्या फिर आपको दिखता तो नहीं है? दिखता तो नहीं है। चलो बाय।